एसबीएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। श्वान की जान बचाने यूपी पहुंचे चंद्रपुर के दो युवक। तुमसर में 85,000 की चोरी, चोरी की बाइक की संख्या 53,000 हुई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। श्वान की जान बचाने यूपी पहुंचे चंद्रपुर के दो युवक। एक कुत्ते की पीठ में तलवार फंसी होने का वीडियो 8 से 10 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसका संस्थान स्थानीय संस्था प्यार फाउंडेशन के सदस्यों ने लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश जाकर जख्मी श्वान का उपचार कर उसे जीवन दान दिया। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पेंडुरना का होने की जानकारी मिलते ही प्यार फाउंडेशन के अर्पित ठाकुर तथा कुणाल महरले विमान से पेंडुरना पहुंचे। वहां जख्मी श्वान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलने पर स्थानीय प्रशासन को जानकारी देकर महापौर से मिले और उनसे मदद मांगी। करीब 18 घंटे बाद जख्मी श्वान का पता चला। उसके बाद स्थानीय पशु वैद्यकीय अधिकारी के मार्गदर्शन में श्वान की पीठ में फंसी तलवार निकाली गई। अब श्वान को प्यार फाउंडेशन में लाया जाएगा। प्यार फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र रायपल्ली ने बताया कि फिलहाल श्वान खतरे से बाहर है। मूक प्राणियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एक मूक प्राणी के लिए दूसरे राज्य जाकर मदद करने के इस प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तुमसर में 85,000 रुपए की चोरी। तुमसर शहर के श्रीराम नगर में एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और नगद चांदी के बर्तन समेत करीब 85,000 रुपए का माल चुरा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीराम नगर निवासी अनिल सुरजन 18 से 21 जून तक शहर से बाहर गए थे। चोरों ने उस दौरान सामने के दरवाजे का ताला तोड़ा और 55,000 रुपए नगद और चांदी के बर्तन समेत 85,000 रुपए का माल चुरा लिया। सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस ने मौके पर पहुंच पंचनामा किया। शवन दल की भी मदद ली गई, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। उनकी शिकायत पर तुमसर पुलिस ने 21 जून को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस निरीक्षक रामेश्वर पिंपरेवार के मार्गदर्शन में मामले की जाँच की जा रही है। वहीं तीसरी ओर चोरी की बाइक की संख्या 53 हुई। नकली आरसी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक चोरों ने 53 बाइक चुरा कर बेचने की बात कबूल की है। जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार, ब्रह्मावाड़ा और शिरंजा गांव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 29 बाइक जब्त की थी। आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार है। मंगलवार को 3 बाइक और जब्त की गई। इसमें एक परतवाड़ा और दो शिरंजा गांव बंड से जब्त की गई। बुधवार को 8 आरोपियों का पीसीआर समाप्त हो रहा है। यह जानकारी चांदूर बाजार पुलिस थाने के प्रभारी सुनील किनंगे ने दी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।